आँख नहीं खुला है, देखिए ऐसे खुल गया ना। अब समझ में आ नहीं रहा है कि क्या काटा है इसको, पूरा देखो मुंह फूल गया है। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी सुबह का बज रहा है 10 और सुबह सुबह कुछ काम हो रहा है। क्या हो रहा है चलो मैं आपके दिखाता हूँ। तो हमारे घर पे ना सेंधा नमक ही यूज़ होता है डेली में, डेली यूसेज में। तो देख रहे हैं ये सेंधा नमक है जिसको मम्मी पीस रही है। अभी पीसने के बाद ये डब्बे में डाल दिया जाएगा, उसके बाद इस्तेमाल होगा। पांडा को कुछ तो काट लिया है यार, इसका मुंह देखो पूरा सूज गया है। अब समझ में आ नहीं रहा है कि क्या काटा है इसको, पूरा देखो मुंह फूल गया है। ये देख रहे हो ये पूरा मुंह फूल गया है, आँख भी फूल रहा है। अब हमको समझ में आ नहीं रहा है कि इसको काटा क्या। चल चल निकाल जल्दी निकाल, चले बैठो बंद करें। चलो दरवाजा खोल रहा हूँ। बाप रे बाप, पता नहीं क्या हुआ यार, ये लोग घर में बंद हैं और घर में ही पता नहीं क्या काट लिया। अभी चल के मैं दिखाता हूँ आपको। बता चलो चलो चलो, जा रही हो तुम भी? कहाँ गए पंडा? पीछे पीछे। पीछे कहाँ है? वहीं पे बैठा दिया है, फ्लैट है ना पूरा। मैं हूँ घर पे ही। हमारे सुनो ना, कहीं जाना नहीं, चलो कहीं चलना नहीं है पहले। चलो यहाँ पे पहले चल के उसको पूछ लेते हैं, वो कुछ गड़बड़ चीज काटने का विष वगैरह। हाँ हाँ वही वही, इंजेक्शन डलवाएंगे। क्या कटवा लिया है रे तू यार, लग बीच में देना हमको दो। अरे कल रात में दवाई खाया ना ये? हाँ हाँ, मुझे लग रहा है ना कि आपस में ये लोग लड़ के या तो अपना मुंह फुलाए हैं या कैसे। दांत में कुछ किया है? देख दांत, देख दांत, आंख ऐसे फूल गया ना वो तो देख। दवाई का है ये हमको लग रहा है सर ना। हाँ वहाँ दवाई गिरा हुआ था बहुत सारा टैबलेट, दवाई ही खाया हमको लग रहा है, दवाई का ही असर है। मगर पट्टा लेके चलो, ब्लड से रिपोर्ट पूरे सब आ जाएगा समझे। ठंडा है क्या मम्मी? बर्फ बाबू, इसका खाने का सामान। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यार मुंह नहीं खुल रहा है, चोट लगा है भाई। मारे किया है, मारे किया है ये लोग। मुंह नहीं खुल रहा रे, मारे किया। चलो चलो दिखा, मुंह नहीं खुल रहा है, मार किया। चलो चलो यहां देखिए, यहां चल बैठ बैठ बैठ। अभी पटक पटक के मर ले बा। हां पटक के मारा है यूट्यूब इसको। ले जो ले जो, ये लोग जा रहे हैं, मैं यहीं पे हूं क्योंकि घर पे फिर कोई रह नहीं जाएगा। जाओ जो बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ। पंडित इसमें है यार, मेरे में हिम्मत नहीं है ब्लॉग बनाने का, दिमाग खराब हो गया है। पकड़ो तुम कैमरा, लो हम देखते हैं इसको। इसे क्या कटवा के आया रे तुम, हैं? दिखा हाथ दिखा। मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, एक लग रहा है कि 3-4 घंटा पहले किसी जिम से लड़के आया है और उसके बाद ये डरा हुआ था। अभी मैं यहाँ खड़ा होके भाई इंतजार कर रहा हूँ, वहाँ का हालत कैसा है मुझे पता नहीं है। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से वो लोग आए और पता चले। बहुत तेजी से फूल रहा है, इधर वाला पूरा आँख बंद हो रहा है अभी इसका। मधुमक्खी या फिर पता नहीं कुछ काट लिया होगा, ऐसा कुछ खास टेंशन नहीं है यार। उस टाइम पे देखे ना मेरा दिमाग उड़ गया था कि इतना ज्यादा सूजन आ गया था ना इसके पे, ये पूरा एरिया सूजा हुआ था। देखो इधर वाला आँख देखो इसका और इधर वाला, ये पूरा टाइट है। पंडुआ का नस ही नहीं मिल रहा है, जिस नस में इंजेक्शन डलवाना है। आप यहाँ तब ये यहाँ यहाँ पे यहाँ यहाँ
कोई नहीं बताया है, असर हो रहा है दवाई का। और ये बहुत अभी और छुई लगना है। हाय दे हाय और मधुमक्खी खाओ। हाँ घरे पहुंच के पास बता दी थी। खा तो नहीं पाएंगे तुमको। ये रहा तेरा बंदू। ये रहा कोई भी क्लिप डालेगा नहीं, नहीं डालेगा। कंटिन्यूअसली इनका प्रेस होगा। तो इनका फेस नहीं है, सब कुछ लड़ रहा है। खड़ा पांडा इधर आ। चलो चलो मामा गोदी में चढ़ के चलो। रुक जा। हां तेरी पंडू रे इधर बीच में बिठा दे। बीच में गाड़ी वैसे भी साफ नहीं हुआ है, पीछे इसको बेचारे को बिठाना ही नहीं चाहिए था। बैठ जाओ जाओ बैठो पंडा के साथ। आज चलो ठीक है, बीमार तुम पड़ गए नहीं तो। आ गया आ गया। आओ ठीक है, चल चलो भाई गुड न्यूज मिल गया। पांडा ठीक है, मधुमक्खी काटा है ना। आ जाओ भाई हटाओ जरा सारा। कौन सा पाइप? नीचे पाइप में चढ़ा दिया तो अब कैसे हटाऊं? अब चढ़ाओ भाई चढ़ाओ। पाइप खींचो तो खींचेगा नहीं, अब नहीं हटेगा नहीं हटेगा। हाँ ठीक है अब ठीक है। नहीं कैसे हो बेटा, हैं कैसे हो? मैं बोलो मधुमक्खी से कटवा लिया है, कैसा रहेगा? मधुमक्खी से कटवा लिया हो? गाड़ी तुम पार्क कर दिए, गेट नहीं खुलेगा। बेचारा काट लिया बेटा को। अरे 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 बेटा चलो चलो होगा नल में मधुमक्खी रहता है। हाँ हाँ मुझे लग रहा है इसको पहले ही काट चुका था। अभी इतना धूप है मधुमक्खी देख रहा है। हाँ। शाम के टाइम पे ना क्या होता है कि इस पे एकदम सर्कल बना के पूरा मधुमक्खी बैठा रहता है। और ये देखो मर मर के कितना सारा इसके अंदर गिरा हुआ है। रोज मम्मी पानी साफ करती है, रोज मत कर यार तू जा उसको निकाल बेचारा बैठा हुआ है। बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है यार। कैसा लग रहा है पेट इसका यार। चल भाई जाओ दिखाते हैं रील में कि मस्ती में एकदम मधुमक्खी काट लिया बच्चा एकदम मुंह फुला के बैठा हुआ है। भाई मधुमक्खी काटता है तो इनको तकलीफ बहुत तगड़ा वाला होता है। चार इंजेक्शन लगाए बाबू को। चार इंजेक्शन असर काटने का। अरे बाप रे बाप। हम लोग को लग रहा है भाई कि यूट्यूब इसको मार रहा है पटक के, लेकिन देखो भाई को मुझे मारा नहीं है ना गलती से। नहीं 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 भाई मधुमक्खी काटा है हो गया, ज्यादा दिक्कत नहीं है। मां मधुमक्खी ने काट लिया कोई बात नहीं, अब बच के रहना ठीक। यहाँ पे देख रहे हो ये घर का हालत कैसा किया है। हमको ऐसा हालत देखने के बाद ना हमको ऐसा लगा कि इन लोगों ने ही आपस में लड़ाई करके कुछ तो कांड किया है। इस बड़े वाले ने छोटे को मारा है, लेकिन अब देखो पता चला कि एक्चुअली में मधुमक्खी ने काटा है। नहीं तो हम लोगों को लगा कि कौन सा जानवर काटा है या आपस में ही लड़ाई हुआ है। और देखो यहाँ पे कैसे बिखेर दिया है सब लकड़ी वकड़ी काट के, जो हालत कर दिया है ना इसने। तो जब से आया है ना ये तब से एकदम मायूस होकर बैठा हुआ है, कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है बेचारा, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। इसको चार इंजेक्शन लगाया और कहाँ पे काटा था मधुमक्खी? आराम से मत दिखा रहे हैं तो बेचारे को। भाई एक चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अपने यहाँ आए दिन जितना सारा कांड होता है ना, कभी हमारे साथ कभी इसके साथ कभी उसके साथ कभी जानवर के साथ,
कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं होता होगा। आपको क्या लगता है, आप लोग भी जब से हमसे कनेक्टेड हो तब से आप लोग नोटिस कर रहे होंगे हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, अब कभी जानवरों पे तो कभी इंसान पे, लेकिन बहुत ही टाइम से ये चलते आ रहा है और बहुत पहले से हम बोल भी रहे हैं कि अपना वक्त ख़राब चल रहा है, ख़राब चल रहा है, और ये ख़राब वक्त पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, अभी भी वही वक्त चल रहा है, अभी भी ख़राब वक्त चल रहा है यार। अभी पांडा बेचारा देखने से तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अभी देखते हैं, मुझे ऐसा लगा था ना कि उसके दांत में मधुमक्खी ने काटा है, लेकिन लकीली दांत में नहीं काटा था, इधर साइड काटा था उसने, तो अभी पांडा ठीक है, 4 इंजेक्शन लगाए, मैं तो गया नहीं था वहाँ पे, तो टोटल 4 इंजेक्शन लग गया बेचारे को। अभी ना मेरे सामने पापा बैठ के पांडा के साथ खेल रहे हैं, इतना कुछ हुआ लाइफ में क्या क्या, लेकिन मैंने आज तक आज से पहले कभी भी पापा को पांडा के साथ खेलते हुए नहीं देखा है। अभी पापा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है छोटे से बच्चे के साथ जो हो गया है। तू तो इतना बुरा हाल कर दिया है ना सबका, जानवर छोड़ तूने इंसान का वो हाल कर दिया है ना भाई, लोग तेरे से दूर भाग रहे हैं। अभी इन दोनों का डिस्टेंस देखो, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, अब अगर ये उसके नज़दीक गया तो ये खतरे में आ जाएगा, तो इसीलिए अभी ना मैं इसके साथ रहने वाला हूँ ताकि ये इसके नज़दीक ना जाए। पांडा अब ठीक हो बेटा? पांडा देख रहे हो कितना मायूस होके बैठा हुआ है बेचारा, इसका ना मुंह जब जा रहा था तो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, अभी ठीक है। ये जितने प्यार से सोया हुआ है ना ये उतना प्यारा है नहीं, और ये जितना प्यारा बनता है उतना प्यारा भी है नहीं। लोग इसको दूर से देखते हैं तो कहते हैं कितना प्यारा है बेचारा, और नज़दीक आते हैं तो दोबारा इससे मिलना नहीं चाहते। क्यों हो गया ऐसा तू है, तू ऐसा क्यों हो गया बोल भाई? बहुत भयानक कांड हुआ अभी, जितना तूफान आया था ना उस तूफान में देखो क्या हो गया। ये वाला फुटेज जो है शिवम शिवम के कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया, मेरे वाले में जरूर हो गया होगा, उसमें जो हुआ होगा वो समझ में भी नहीं आएगा। ये ना वही सब्जी है सेम का सब्जी, जो कि अब इसके अंदर कुछ बचा हुआ है नहीं, लेकिन ना इसको अभी हम लोग जीवित रखेंगे ऐसे उठाएंगे। अभी वहाँ पे गाना बज रहा है ना, तो ये गाना सुन के इसके दिल में कुछ तो हो रहा है। इधर आ, ये कौन से लैंग्वेज गाना है? भोजपुरी। यहाँ कौन सा? भोजपुरी। तो कल के वीडियो में मैंने बोला था, नहीं आज ही वो वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि ऊपर चढ़ के अच्छे से आपको व्यू देंगे। चलो अभी चलते हैं ऊपर। भाई यहाँ पे देखो पूरा सुकून है, चारों तरफ पानी है, ये पानी डाला गया है, और मतलब कोई भी जो ऐसा नया घर वर बनता है ना तो उसमें पानी डाला जाता है और डाल के छोड़ा जाता है, मे बी वही रीज़न है। ए होली शिट, यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ था जिसको काट दिया गया। अभी मैं सोच रहा हूँ यार, मैं पहले ही मैं आपको बोल दे रहा हूँ हवा आएगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रहा है, शायद मेरे ऑडियो में ना प्रॉब्लम हो। यहाँ पे जितने भी ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं ना, देखो यहाँ पे जितने भी ऐसे ब्लॉक हैं सब में ना पानी है, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये मैं फिलॉसफी समझ नहीं पा रहा हूँ, सामने से सूरज का किरण इतना तेज़ है तो पानी ठंडा कैसे? देखो अरे ये भी आ गया, मत उड़ाओ पानी आ रहा है नीचे, पानी आ रहा है तो तुम ऊपर आ रहे हो, इसका खबर कहाँ था मुझे? एक और लड़की जो उधर है खाना खा रही है अभी इस कड़क धूप में, या धूप में तो नहीं वो रूम में बैठ के खाना खा रही है। और पता है जो वाला पानी है ना जो छाये से बचा हुआ है वो ज़्यादा ठंडा है, और जिसमें धूप लग रहा है वो कम ठंडा है, लेकिन दोनों ठंडा है। अभी एक चीज़ आसान हो गया कि यहाँ से हम लोग ऐसे ही हाथ पकड़ के अमरूद तोड़ सकते हैं, ऐसे लीची तोड़ सकते हैं, हाँ, और यहाँ से लीची तोड़ सकते हैं, लेकिन लीची ख़त्म गया, लीची क्यों कुछ भी नहीं बचा है, देख ले पूरे पेड़ में लीची बचा नहीं। आओ आओ दिखा दो, बहुत कम लीची बचा हुआ है, पानी देख रहे हो, दो चार इसमें एक दो उसमें, बस बहुत ही कम। ये मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ अचानक से। रुक रुक एक मिनट, ओए पानी आ गया, ऑन किया लाइन आ गया होगा, नकली है असली है, गर्म आ रहा है मतलब अभी अभी चालू हुआ है। अच्छा वहाँ पे पापा जा रहे हैं, उन्होंने ही किया है, बहुत गर्म आ रहा है पानी, अभी ठंडा आने का इंतज़ार करते हैं, फिर यहीं पे नहाएंगे, अभी अच्छे से एकदम सूख उख जाएगा ना, वैसे अभी अच्छे से सूखा नहीं है इसीलिए चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और जहाँ जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे मैं दे देता हूँ।
और बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बताऊं, यहाँ पे देख रहे हो ये वायर, ये बिजली वाला है और बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। जहाँ जहाँ सूखा है वहाँ दे रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे। ये काम सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है यार, घर बने उसके बाद पानी देना, ये शुरुआत से ही हमको बहुत अच्छा लगता है। अभी तो गर्म ही आ रहा है। अरे ये देखिए देखिए कौन आ रहा है। अरे भिगा दिया उसको, पानी डाल दिया उसको, मैंने देखा ही नहीं, मुझे बताया भी ना यहाँ रही है, तो कैसे करूँगा। वाह यहाँ की तो फीलिंग ही दूसरी है यार, अगर इतना बड़ा कमरा रहता तो ज़्यादा सही रहता, ये सब गिर जाएगा। चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ। मेरा मुंह खुल गया है, देखना देखना फीलिंग देखना ठीक। मजा आ रहा ना? मजा। ओए होए, अरे नहा के आ रही हूँ, भीग जाएंगे तुरंत। मजा आ गया यार सच में। यार यहाँ से तो बड़ा मजा आएगा ना, अब चोर को देखने में मजा आएगा, काला केला चोरी करता है। मस्ती वस्ती में पूरा गीला हो गया। पूरा गीला सिर्फ केला चोर से मस्ती देखेंगे। हाँ यस, मोहल्ले में तो अच्छा लग सकता है यहाँ से तो। वाह यार, अब कोई पत्थर मार के वहाँ से भागेगा और यहाँ से पकड़ लेंगे दबक के। वो तो वैसे भी पकड़ लेते यार, ये पता है ठंडा पानी इतना भी ठंडा नहीं है किया जाए यार, अभी भी गर्म आ रहा है। ओ भाई साहब, ये टेम्पररी सीढ़ी कहीं हमको टेम्पररी ना बना दे भाई। मौसम इतना ड्राई ड्राई है ना कि ऐसा लग रहा है पानी चाहिए अभी भी यार। पानी छिड़क दो ना एक बार बाहर में, मजा आ जाएगा यार। हो जाएगा पूरा नहीं, एक बार बस, एक बार थोड़ा सा, थोड़ा देखो, सा। देखो देखो मैं बता रहा हूँ, पिछला बार हम लोगों ने इतना पानी यूज किया ना गर्मी की वजह से कि मुझे खुद जब पिछले साल का वीडियो देखा तो मेरे को इतना बुरा लगा कि यार क्या बोलूं, तीन तीन बार पानी डालते थे और ये कह रहा है अभी पानी डालो, अभी पानी डालूंगा मैं आधे घंटे में उसका वो खत्म हो जाएगा, धूप खत्म होने तो पानी डालेंगे पूरा शाम तक रहेगा वो। अरे सूखे सूखे में जब पानी आ जाता है ना तो फील आ जाता है। हाँ कोई बात नहीं, फील ले लो जाके अपने एसी रूम में, एसी ऑन करो और जाके बैठ के वहाँ पे फील। ये ऐसा गर्मी है ना कि इसमें बस पानी फील दे सकता है, उसके अलावा एसी वगैरह कुछ भी फील नहीं दे। गड्ढा कहाँ भरती है, रखते हैं उसको। अभी अभी गड्ढा है वो भरा नहीं है। और बात रही गड्ढे की तो दोबारा गड्ढा कर लेंगे, कहीं और कर लेंगे। हाँ तो नहा उसमें, पानी 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 फील लो पानी का। वहाँ पे देखो ना हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स आए हैं तो उनसे बात कर रही है पूजा मैडम। क्योंकि भैजपुरी गाना बज रहा है, जोर से बोलना, बोलना भैजपुरी गाना बज रहा है। ये लड़का कब से कह रहा है कि भैजपुरी गाना बज रहा है, अब मैं इसको कितनी बार समझाऊं कि भैजपुरी नहीं भोजपुरी होता है, ये समझ ही नहीं रहा है। इसको लग रहा है कि यही सही बोल रहा है, मैं गलत बोल रहा हूँ। क्या बोले? भेज और पूरी, भेज और पूरी, भैजपुरी। भाई पूरा देख रहे हो कैसे बंजर हो गया है, सारा फट गया। और वैसे भी अभी ना गाय को यहाँ से बांधना बंद करना पड़ेगा अगर ये पन्नी ठीक नहीं हुआ तो। चारों तरफ से देख रहे हो किस कदर फटा हुआ है, ये ऐसे फटा हुआ है जैसे लग रहा है कि फाड़ा गया है हाथ है, जबकि हवा से फटा है। चारों तरफ देखो अब से हवा से फटा हुआ, अभी भी देखो हवा कितना तेज बह रहा है। हाँ हाँ वही 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 वही, ये वाला देखो हाँ असली तो यहाँ पे है, ये ऊपर से पूरा फट गया। अभी इसको आज आज में ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये रहने लायक नहीं होगा। अरे कहीं ये भैजपुरी गाना क्या आवाज से तो नहीं फट गया? ये में जो बज बज रहा था काम होता भैजपुरी गाना से फटा है ना, तो ये बताएगा। बाप इसका बाल देखो, इसका बाल देखो, ओए होए होए क्या गजब लग रहा है। मैं बाल में लग रहा है जैसे 1.5 किलो धूल डाला है इसने। धूल नहीं, ये धूल उड़ रहा है इसके वजह से धूल है। हाँ मतलब वही बात है, नहा के बाहर निकला कल और तुम लोग को जाने से पहले जितना देर तक यहाँ पे वेट किया उतना ही देर में मेरा बाल का हालत ऐसा हो गया था कल। अभी जिस तरह से भाई हॉटनेस फील हो रहा है ना, दिल कर रहा है कि घर के अंदर भाग जाए, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर आए हैं ना तो हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत बातचीत भी कर रहे हैं उनसे। कांड हो गया भाई साहब, क्या हुआ बताओ। यहाँ पे देखो ये लेन केबल है और इस लेन केबल को हमारे घर के पेंटर ने पेंट कर दिया है। यार 1000 रुपए का केबल था यार, तुम हंस रहे हो। अब तो ये किसी काम का नहीं रहा ना। काम का क्या रहा, ये इसको निकाले कैसे अब हम इसमें से। हाँ देखो देखो नजदीक से निकाल दो। इसके ऊपर ये पिन रहता है जो ये चिपकेगा नहीं, उसमें काम करेगा ये देखो ना। पेंट कर दिया उस बेचारे को, क्या पता है कि तुम जरूरत का चीज कहाँ कहाँ अटका के रखे हो। पागल हो गया, इधर करा उधर भी निकाल के पता नहीं कहाँ रख दिया।
और कुछ केबल था उसमें पेंट मार दिया, राउटर भी नहीं मिल रहा है। ये नमूना पता नहीं कहाँ से आया है हमारे घर पे। नमूना आज कह रहा है कि आज हमारे घर से स्टाफ लोग भाग गए हैं इसलिए मैं गाय को खाना दे रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है ये। ये छोटा सा बच्चा काफी दूर से हमसे मिलने के लिए आया है, और मिलने के लिए आया जब मम्मी को जिद करके यहाँ पे लेके आया, और जब हमारे पास पहुँचा तो बात भी नहीं कर रहा है। एक बार नाम तो बता दो तुम्हारा। नाम बता दो। क्या नाम है? यस। यश नाम है तुम्हारा? पूरा नाम क्या है? यश सिंह राजपूत। चलो अभी तुम वीडियो में आ गए हो, ठीक है, देख लेना। भाई इतने धूप में ना हमारा घर पे रहने में हालत खराब हो जा रहा है। इतने दूर से आप लोग मिलने आ रहे हो, अभी नहीं आओ आप लोग यार, सच में आप भी सेफ नहीं हो। या तो शाम को आओ या तो एकदम सुबह में आ जाओ। इस टाइम में अगर लू वगैरह लग गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। तो कब से गर्मी को बर्दाश्त करते करते अब बर्दाश्त करने का जो है हद पार हो चुका है। भाई यहाँ पे टेम्परेचर है 42 डिग्री, बहुत ज़्यादा है। तो हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। बहुत ज़्यादा ऐसा टायर्ड सा फील हो रहा है भाई गर्मी के चलते। आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।